जो गुजर गए किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। तुमने बहुत जल्दी मम्मी से बात नहीं कर ली और मुझसे पूछा तक नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, भरोसा है। मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पे। मैं जानता था तुम्हारा जवाब क्या होगा, इसलिए तुमसे पूछा ही नहीं। वैसे इतना अतमाद अच्छा नहीं होता, ना खुद पर ना किसी दूसरे। जब नहीं थे कोई, क्यों किया तुमने ये सब कुछ सारा? क्यों वो हमसे, तुम ऐसी तो कभी नहीं थी, या फिर तुम ऐसी ही थी? मैंने तुम्हें समझने में गलती की। क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं, हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। हाँ भाई असगर, कितनी देर में काम हो जाएगा? बस आध पौन घंटे। नहीं यार जल्दी कर, मैडम को कहीं जाना भी है और तेरा काम पहले देखना भी है। मैं जल्दी जल्दी चल। दुरैया, thank you.
भैया। हाँ मैं आने वाली थी तुम्हारे पास ही, थोड़ा काम था, मैंने कहा करके फारिग होके आती हूँ। बोलो क्या क्या बात है? ये पप्पू ने अब्बू को पैसे दिए थे तुम्हारी शादी के गिफ्ट के लिए। अब्बू तुम्हें खुद ही देंगे अपनी तरफ से, ये रख लो। हाँ सही कह रही हो, गिफ्ट तो वही होता है ना जो इंसान अपने पैसों से खरीद के किसी को दे, ऐसे थोड़ी होता है। अम्मा को तो लगता है कि बस पैसे उन्हीं के पास ही हैं। ठीक है मैं उन्हें दे दूंगी। चाय पीनी है तुमने? बैठो चाय पी लेते हैं। नहीं मैम, अम्मी के साथ खाना बनवा रही थी। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो ना रोमाना, इंसान या तो वादा ना करे और अगर करे तो फिर उसे पूरा भी करे। मेरी दुरैया को तो तुम जानती हो, कितनी कोमल है, कितने नाजुक एहसासात की मालिक है। पता है जिस दिन से तारीख तय हुई है बाप को याद करके रोती रहती है, और वो हमीदा उसने तो आखिर ही कर दी। असगर को साफ मना कर दिया कि दुरैया की शादी पर एक पैसा खर्च नहीं करने देगा। अच्छा ऐसे कैसे? आपको गलतफहमी हुई होगी, आपको भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ हाँ तुम भी मुझे झूठा कह दो। मैं तो जबरदस्ती बेवकूफों की तरह पैसे भी थमाई हमीदा को कि भाई शादी के जिस जोड़े का कहा था कम से कम वो तो बना दे। आपका जोड़े तो हमारी तरफ से आएंगे ना। अरे भाई ऐसे कैसे? ये तो ठीक है कि रिश्ता आपस में तय हो गया, वरना याद करो असगर ने कहा था कि दोनों लड़कियों का जोड़ा वो घर से बना कर देगा अपने हाथों से। तुम रहने दो, मैं दे आई हूँ हमीदा को 20,000 रुपए शादी के जोड़े के। मैं तो फिर भी उनकी इज्जत रखने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी जिसकी जो मर्जी, तुम सोचो या वो सोचे जो मर्जी। झूठा तो बना दिया तुमने मुझे, और क्या रह गया? मैंने कब कहा है? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। अच्छा चलो नहीं कहा होगा, इट्टी डालो इस बात पे। उठ के चाय बनाओ, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गई है। अच्छी सी चाय बनाओ, वो पियो और फिर निकलूं। आय हाय, तो क्या अब भी निकलने दे रही है अमिता? तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है, इस तरह की औलाद को उनके हाल पे छोड़ रखा है। ना जाने अब कहाँ जा रही है। अरे शुरू से कहा सुना होता ना तो सुनती किसी की, अब कैसे सुन सकती है। अरे मैंने तो सुना है कि उस लड़के ने भी शादी से मना कर दिया। हाँ तो जाहिर है, ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा, किसी को अपने घर का माहौल थोड़ी खराब करना है। अरे चुप हो जाओ, सुन लेगी, करीबी कड़ी है। सुनती है तो सुन ले, मैं कोई डरती हूँ इससे? जो सच है वही तो बोल रही हूँ मैं। अरे कोई इसके बाप की गली थोड़ी है, घर से निकाल दी। हाँ अगर यहाँ कुछ बोलेगी ना तो फिर तुम देखना मैं इसका क्या हशर करूंगी। पता नहीं किसको लूटने जा रही है, इसकी माँ तो ऐसी नहीं है, ये पता नहीं किस पर चली गई। अरे कुछ खुदा का खौफ करो बहनों, तुम लोग खुद उड़ते होकर इस बच्ची के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम तो रहने ही दो भैया, तुम्हें क्या पता कि इस लड़की ने ना मोहल्ले में क्या क्या गुल खिलाए, और वैसे तुम होते कौन हो हमसे ये कहने वाले। सुना तुमने, अब हमारी भी औकात आ गई है कि ये मूली गाजर बेचने वाले हमें बताएंगे कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं। हाँ भाई, सब्जी वाले की क्या औकात जो किसी को अकल की बात समझाए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मूली गाजर और आलू और लड़की साथ में ना जमीन आसमान का फर्क होता है, और तुम लोग भी समझ लो ये फर्क। अच्छा अच्छा रहने दो बस, हाँ तुम्हें क्या पता। जी दुरैया जी, हाँ हाँ ना, तो आपको मैं लोकेशन भेजता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है यहीं पर हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ, बस आप आ जाइए।
हैं जी, आप आ गई। जय नसीब, जय नसीब। मतलब मुझे पता था कि आप आएंगी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगी इस बात का यकीन नहीं था मुझे। सारे पैसे लेकर तरस खाओ मुझ पर शाहरुख, मैं कहां से ये करूंगी, मेरे पास यही पैसे थे। एक काम कर, डाउन पेमेंट तो आ गई, तुम मुझे हर महीने थोड़े थोड़े करके पैसे देती रहो, अच्छा भी लंच कराऊं। लंच कर, चलो। दुरैया जी, अरे दुरैया जी, जूस तो पीती जाए। जिए मरते हुए हम जिए गए,
इस तरह चुनने हमने मानी जो फैसले कर दिए गए। मैंने तो सोचा था कि आज तुम अपने इन प्यारे प्यारे हाथों में मेहंदी से मेरा नाम लिखोगी, लेकिन ये तो खाली है। कोई आ जाएगा जल्दी से। वाह, वो ट्राई किया। मामी, इसी तरह आपके घर की कोई भी चीज मुझे अगर पसंद आए तो आप मुझे दे देंगे? सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, कोई पूछने की बात है? मामी, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं सारा की बात कर रहा हूँ। मुझे सारा बहुत पसंद है, अगर मैं उसका हाथ मांगू आपसे तो आप खुशी खुशी दे देंगे? आज वाकई बेटा, इससे बड़ी खुशी तो और कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। कि तुम्हारी अम्मी, हमारी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। अम्मी की भी यही ख्वाहिश है मां? हमें क्या इतराज हो सकता है बेटा, बस अम्मी से कहो फटाफट आके ना मामू से बात करें। जब नहीं थे कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था? ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर आज की बात तो मुझे यहाँ पर नजर आए तो मैं जान ले लूंगी अपनी अपनी। कब तक शोक मनाओगी? भाई जो आता है उसे जाना भी है, हमने तो नहीं मारा ना उसे। खुद से नहीं थे शादी और फिर ऐसा ख्वाब देखना, इसका मतलब है तुम्हारी दूसरी शादी हो। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुआ था दुख, लेकिन तुम्हारी खुशी में ना मैंने अपने दुख को छुपा लिया। सारा ये मेरी खुशी नहीं है, ये अम्मा की खुशी है। बाहर से तुम्हें कभी शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी तरह मैं भी किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तो किसी और को पसंद नहीं करती थी। अपना और वहाज का ख्याल। बेटा तुम लोग जाओ नीचे, मैं इसे लेकर आता हूँ। जाओ।
हमेशा खुश रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम अपने घर में हंसती बसती रहो, दूधो नहाओ, वो तो फलाओ। सारा घर मिलना चाहती हूँ उससे। हाँ, उससे मिलने में क्या हर्ज है भला, मैं बुलवा देती हूँ उसे। लेकिन वो तो नहीं आई ना मिलने, तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम बुला बुला कर मिलो। अरे तुम दुल्हन हो, उसे होना चाहिए था ना यहाँ। सही कह रही है, उसे होना चाहिए था यहाँ। तो वहां भी नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था। इससे कोई अपनी जगह पे सही नहीं है। क्या आप अपनी जगह पे सही हैं? अच्छा बस बंद करो ये फजूल की बातें। जो भी है ना वो यहीं के यहीं छोड़कर जाना है। नई जिंदगी की शुरुआत है, मैं कोई शिकायत ना सुनूं। अब निकाह का वक्त है तो बंद करो ये ढकोसले। भेजती हूँ लड़कियों को तुम्हें लेकर आए। आंखें ठीक करो अपनी। कहे ना कहे हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो क्यों अपने ही से आया है। इजाजत है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज अहमद वल सराज अहमद साहब, गवाहान की मौजूदगी में बहुत महर 50,000 रुपये सिक्के राय जुलवक्त आपको दुर्रिया इफ्तिखार बिनत इफ्तिखार अहमद के साथ ये निकाह कबूल है।
कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है इंशाल्लाह। कबूल है। ना हुआ कभी साथ जीना मरना, था हमें यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है था। दूर था के जो पास हम सफर था, जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो एक बात का ख्याल रखना प्लीज, कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं मुझे कभी धोखा देना। झूठ और धोखे से मुझे सख्त नफरत है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटियों की रुखसती का एहसास बहुत अजीब होता है। अभी दुरैया की रुखसती से पहले ऐसे कलेजा मुंह को आ रहा था उसके जाने का सोचकर, लेकिन अब जबकि वो रुखसत हो गई है ना, तो यूं लग रहा है जैसे मेरे सर से मनो बोझ उतर गया हो।
सच पूछो तो आज बहुत अरसे के बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगी। जी आपा, ये नसीब भी और सुकून भी नसीब वालों के नसीब में होता। हाँ भाई, है तो नसीब की बात ही सारी। असगर, अब सारा का भी कुछ करो ना, किसी से कहकर उसका भी रिश्ता चलाओ। मुझे यकीन है कि अल्लाह उसके हक में बेहतर करेगा। तुम कहो तो मैं चलाऊं कहीं बात बात। जी अपा, मैं भी यही चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये बोझ अपने सर से उतार फेंकूं बस। आओ आओ सारा, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, चलो असगर तुम चाय पियो। वो उसने सुनी नहीं होगी मेरी बात, बहुत थक गई है मुझे लगता है। थक गई है आप? बहुत थक गई है। थोड़ा ख्याल कर लें खुदा रहा। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि बहुत थक गई होगी, और क्या कहा है? सारा दिन तो ऊपर नीचे होती रही, मैंने क्या देखा नहीं? और अब देखो, अब सुबह उसे नाश्ता लेकर भी जाना पड़ेगा। सारा नाश्ता लेकर नहीं जाएगी। सारा नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? और है ही कौन भला? वो है ना नौशी। अब आप मेरा ठीक कह रही है कि सारा ना ही जाए तो ज्यादा बेहतर। क्या असगर, नौशी है ना दुरैया की सहेली, कहाँ है वो? शादी पर भी नहीं आई। जब दुरैया दिन रात उसके घर गुजार सकती है तो किस मर्ज की दवा है? उससे कहे ना नाश्ता लेकर जाए। वाह हमीदा वाह, मौके पर ताना देना तो कोई तुमसे सीखे। काश तुम्हें पता होता कि नौशी क्यों नहीं आई दुरैया की शादी पर। मैंने तो बात दबा ली थी कि तुम्हारा दिल ना दुखे, पर तुम सुनना चाहती हो ना तो फिर सुनो। नौशी अपनी इतनी अजीज सहेली की शादी पर सारा की वजह से नहीं आई। तुम क्या समझती हो लोग कानों में रुई ठोस कर बैठे हैं या उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं तुम्हारी तरह? बहुत शोहरत हो गई है हमारे घर आने की सारा की वजह से। ये जो चार लोग आ गए ना दुरैया के सर पर हाथ रखने, वो भी सिर्फ मेरे मुंह को आए हैं। मैं भी देखती हूँ कोई थूकने भी कैसे आएगा सारा की किसी भी खुशी में। अरे असगर देखो तो सही, देखो अपनी बीवी को क्या बदशगुनी कर रही है। अरे बेटियों की रुखसती के बाद कोई रोना पीटना डालता है क्या? इससे शुक्र अदा नहीं हुआ असगर, इसे रोको ना। क्यों राह खोटी कर रही है ये? आप रोए तो मत, आप क्यों रो रही है? अरे मैं क्यों ना रोऊं, आप रो भी ना। मुझे तुम खुद बताओ मैंने कभी फर्क किया है दुरैया में या सारा में, तो फिर ये क्यों करती है? अरे मेरी बेटी की रुखसती वाले दिन मुझसे लड़ रही है, देखो तो सही। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मेरा तो मतलब था कि क्या करें तुम्हारे मतलब का, देखती रही और रो रही आपा। माफी मांगो इनसे, माफी। हाँ भाई जल्दी करो, माफी मांगो उनसे। खुशी का दिन न देखा, अल्लाह मेरी बेटी को बुरी नजर से बचा, उसे हादसों के शर से महफूज रखना मेरे मालिक। ठीक है भाई, मैं ऊपर ही चली जाती हूँ, चाय भी वहीं पी लूंगी बस।
क्यों अपने हैं।